पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या, विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम के सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के सामने प्रयास प्रारंभ हुए हो तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हरेक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है।